हेलो एंड वेलकम टू द फ्लिक एडिक्ट। आज ही रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ट्रेलर रिलीज़ हो गया है और इस ट्रेलर के साथ आई हैं बहुत सारी एंटिसिपेशंस। तो क्या ये ट्रेलर अच्छा है, बुरा है, क्या फीलिंग्स ये जेनरेट करता है, आइए इसको विस्तार में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, तो नाम इतना लंबा है, इसका टीज़र आया और टीज़र देख के लोगों के मन में बड़ी मिक्स्ड सी फीलिंग्स आई। सबसे बड़ा सवाल जो इस टीज़र को देखकर लोगों के मन में उमड़ा वो था कि केमिस्ट्री कहाँ है। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह के बीच में केमिस्ट्री लोगों को नज़र नहीं आई। लोगों ने करण जौहर की पुरानी फिल्मों का ही उन्हें एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया और कह दिया कि काजोल और शाहरुख खान जैसा, या फॉर दैट मैटर अनुष्का और रणबीर जैसा भी मैजिक ये क्रिएट नहीं कर पा रही। केमिस्ट्री बिल्कुल डल लग रही है और लोगों को ढूंढने पर भी नहीं मिल रही। दूसरी चीज़ जो शायद आई डोंट नो आपने नोटिस की होगी, बट मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगी और मुझे लगता है कि मुझे इसको डिस्कस करना चाहिए, वो है टर्न्स। हाँ, टर्न्स। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह जिस तरीके से टर्न कर रहे हैं इस फिल्म में, वो टर्न्स बड़े मेडअप लग रहे हैं, बहुत ही फिक्शनल टर्न्स या बड़े ही फेक टर्न्स लग रहे हैं। ऐसा नेचुरलिस्टिक एलिमेंट फिल्म के टीज़र में देखने को नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड टर्न्स लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड मूव्स लग रहे हैं और बहुत स्टेज्ड लग रही है ये फिल्म। यूजुअली क्या होता है, टीज़र के बाद ट्रेलर आता है, लेकिन टीज़र के बाद तुम क्या मिले सॉन्ग आया और जब सॉन्ग बाहर आया तो लोगों ने उसको देखकर भी मिक्स्ड रिएक्शंस ही दिए। लोगों ने उस सॉन्ग को डायरेक्टली सूरज हुआ मध्यम से कंपेयर किया। गाने के बोल बहुत अच्छे हो सकते थे, ये गाना एवरेज से थोड़ा ऊपर है और एक्सेलेंट से काफ़ी नीचे है। करण जौहर के ही अगर हम पुराने गानों को उठाकर देखें तो जो क्वालिटी उनके पिछले गानों में रही है, चाहे वो ए दिल है मुश्किल की एल्बम हो या किसी भी फिल्म की एल्बम हो, कभी अलविदा ना कहना, किसी भी फिल्म की एल्बम उठा लो, गाना इस ये वाला गाना भी, एक ही गाना है तो हम ज़्यादा कह नहीं सकते, पर एक गाना सुनने के बाद लगता है कि ये गाना थोड़ा एवरेज ही है। अब अल्टीमेटली आते हैं फिल्म के ट्रेलर पे। द ट्रेलर बिगिंस विद अ बैंटर बिटवीन आलिया भट्ट एंड रणवीर सिंह, रानी एंड रॉकी रिस्पेक्टिवली, और उस बैंटर के बाद हम देखते हैं, जैसा ट्रेलर में होता है यूजुअली, हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं, देखते हैं कि आज इस सिचुएशन में ये कैसे पहुँचे, थोड़ा सा फ्लर्टेशियस एटीट्यूड, ये कैसे मिले होंगे, क्या हुआ होगा, और जो भी ट्रेलर में छोटी मोटी नीटी ग्रीटीज होती हैं वो सब इस ट्रेलर में पैक्ड इन हैं। ट्रेलर में काफ़ी सारा ह्यूमर ऐड इन करने की कोशिश की गई है। कोशिश मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी जोक्स हैं वो लैंड नहीं करते। तो सबसे पहले आता है आलिया भट्ट कहती है कि सॉरी मैं आपको ऑब्जेक्टिफाई कर रही हूँ, तो रणवीर आगे से तो कर लो जी, ये तो देखने के लिए बनी है, तो ये जी वो जी, ऐसा जी वैसा जी, ये वाले जो डायलॉग्स हैं और ये वाला जो ह्यूमर है ये बड़ा आउटडेटेड सा हो गया है। और दूसरी चीज़ जो मैंने ट्रेलर में देखी, वो आई गेस एक कैरेक्टर को होमोसेक्सुअल बनाया गया है। ऐसा नहीं है, करण की पिछली फिल्मों में भी हमने होमोसेक्सुअल कैरेक्टर्स देखे हैं। दोस्ताना तो पूरी फिल्म ही होमोसेक्सुअलिटी पे थी और लोग उस फिल्म को आज भी बैश और बहुत ज़्यादा उसकी निंदा करते हैं क्योंकि वो बहुत रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन थी ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। और ऋषि कपूर जी को भी फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक होमोसेक्सुअल का कैरेक्टर दिखाया गया जो बहुत क्रीप चिपकू टाइप का कैरेक्टर था। और इस फिल्म में भी एक कैरेक्टर को देख के मुझे लग रहा है कि वो होमोसेक्सुअल ट्रेट से आते हैं और इस फिल्म में भी लग रहा है कि उनका मजाक ही उड़ाया जाएगा इस फिल्म में, ट्रेलर देख के एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है। फिर ट्रेलर में दो जोक्स और आते हैं कि वेस्ट बंगाल कहाँ है बताओ, तो वो कहता है वेस्ट में, वो कहती है नहीं ईस्ट में। ये जो व्हाट्सएप जोक्स है ना, ये आई थिंक इनसे ऊपर उठ के और कुछ होना चाहिए था। फिर एक रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर जोक है, तो ये जोक्स लैंड ही नहीं करते हैं। इनफैक्ट ट्रेलर के एंड तक आते आते जहाँ रणवीर सिंह कहते हैं कि मुझे लॉन्ड्री करनी है, तो रानी की माँ कहती हैं कि बेडरूम में जाके कपड़े उतारो, आई डोंट नो, मतलब ये जोक्स इतने लेम और लॉजिकलेस हैं कि मुझे डर लग रहा है फिल्म के लिए कि कहीं अगर फिल्म में बहुत ज़्यादा ह्यूमर होने वाला है और ह्यूमर का अगर स्टैंडर्ड ये है, ट्रेलर में डालने लायक अगर इनको ये जोक्स लग रहे हैं, तो ओरिजिनल फिल्म में कैसे ही जोक्स होंगे। कॉस्ट्यूम्स बहुत सुंदर हैं, लोकेशंस बहुत सुंदर हैं, करण जौहर की हर फिल्म की तरह इसमें भी सब लोग सुंदर लग रहे हैं। पर अगर सिर्फ सुंदर लगना, सुंदर सेट, सुंदर दृश्य ही देखने हैं तो हम करण जौहर की कलंक को ही रिविजिट कर लेंगे क्योंकि उसमें भी ना स्टोरी थी। और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ट्रेलर देख के भी लग रहा है कि स्टोरी बहुत ही ज़्यादा एवरेज होने वाली है।
इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट द फिल्म, क्योंकि फिल्म जब तक बाहर नहीं आती मैं ऐसा कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता कि फिल्म बुरी ही होने वाली है। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि ये फिल्म जो मेरे अंदर जिस जो इसने प्री कंसीव नोशंस जगाए हैं एटलीस्ट आफ्टर द ट्रेलर, वो फिल्म देख कर खंडित हो जाए और ये फिल्म आउट एंड आउट ब्लॉकबस्टर बन जाए। और ब्लॉकबस्टर तो ये फिल्म बन ही जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि स्टोरी में कहीं ना कहीं ये पीछे ना रह जाए, क्योंकि ट्रेलर देख के, स्टोरी पर्सपेक्टिव से ट्रेलर देख के मुझे खास मज़ा नहीं आया। अदरवाइज़ अगर सुंदरता की बात है तो ट्रेलर बहुत सुंदर, डेकोरेटेड, कलरफुल लगता है। ये थी बात रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के ट्रेलर को लेके। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द फ्लिक एडिक्ट को। मेरा नाम है नवजोत, फिर मिलेंगे।